हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल वर्सेस फिजिकल गेम्स, मतलब दोनों में से आपको कौन से लेने चाहिए, कौन से ज़्यादा अच्छे हैं, कौन से ज़्यादा सस्ते हैं, कौन से गेम की रीसेल वैल्यू ज़्यादा है, कौन से बिक सकते हैं, कौन से ख़राब हो सकते हैं। तो इस वीडियो में पूरी तरीके से बताने वाला हूँ कि कौन सा गेम आपके लिए अच्छे हैं, फिजिकल या डिजिटल। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गेम खरीदना, ठीक है। ज़्यादा आसान कौन सा गेम खरीदना है, मतलब फिजिकल कॉपी ज़्यादा आसान है या डिजिटल कॉपी ज़्यादा आसान है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फिजिकल कॉपी खरीदना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि आपको किसी स्टोर पे जाना पड़ेगा या अमेजोन से ऑर्डर करना पड़ेगा या किसी भी स्टोर से आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। देन वहाँ से वो आपको शिप करेंगे तो आपके पास कूरियर से वो आएगा, तो उसमें कुछ दिन लग सकते हैं। मैक्सिमम आप एक हफ्ता मान के चलिए, मिनिमम आप 2 दिन मान के चलिए। तो जिस दिन आप ऑर्डर करेंगे उसके 2-3 दिन में आपको वो पार्सल मिल जाएगा और फिर वो आप गेम खेल सकते हैं, वो गेम आपका हुआ। लेकिन या तो आपको अपने घर से उठ के स्टोर जाना पड़ेगा या आपको 2-3 दिन का वेट करना पड़ेगा ताकि वो गेम आपके घर तक आ जाए। और अगर आप रहते हैं दिल्ली मुंबई बड़े शहर में तो 1 दिन के अंदर वो गेम आ जाता है और 1 दिन बाद आप उस गेम को खेल सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल गेम खरीदना आसान है, लेकिन इससे भी आसान है डिजिटल गेम खरीदना। वो कैसे कि भाई आपको क्या करना है, आपको अपने किसी भी अकाउंट में जाना है, वो आपका स्टीम का अकाउंट हो, वो आपका प्ले स्टेशन का अकाउंट हो, आपका वो एक्सबॉक्स का अकाउंट हो, वो आपका एपिक गेम्स का अकाउंट हो, किसी भी अकाउंट पे जाना है, आपको वो गेम खरीदनी है, पेमेंट करना है, देन बस डन। और बस वो आपने गेम खरीद लिया, अब आप उसको डाउनलोड करके कभी भी खेल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने अभी आप गए, आप उठे वीडियो देख के, आप प्ले स्टेशन पे गए और आपने कोई भी रैंडम गेम खरीदा और देन बस वो आपका हो गया, फौरन एकदम आपका हो जाता है वो। आपको उसके लिए अलग से कोई वेट नहीं करना पड़ता, जैसे आपने पैसे दिए वैसी वो गेम आपका हो गया। ये नहीं कि आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता वेट करना पड़ रहा है या फिर स्टोर में जाना पड़ रहा है या आउट ऑफ स्टॉक हो गया, क्योंकि ये भी कई बार दिक्कत होती है, कोई नया गेम आता है तो आउट ऑफ स्टॉक पड़ा रहता है। तो डिजिटल गेम्स में ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आपको फौरन ही गेम मिल जाता है जैसे आप खरीदते हैं। दूसरी चीज़, लाइब्रेरी रखना गेम्स की। डिजिटल गेम्स की लाइब्रेरी रखना बहुत आसान है और फिजिकल गेम्स की लाइब्रेरी रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ कि आपने जैसे डिजिटल गेम खरीद लिया, आपने सोचिए आपने कई सारे गेम्स खरीदे अपनी लाइफ में, फॉर एग्जांपल 100 गेम आपने खरीदे, अब आपको वो 100 गेम रखने के लिए अलग से जगह चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा डिजिटल गेम्स में बिल्कुल भी नहीं है। आपके जो गेम्स हैं वो आपके अकाउंट में रहेंगे, आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, कभी भी उसको डिलीट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी लाइब्रेरी में हमेशा रहेंगे। तो वहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको कहीं की, भाई मुझे अलग से कोई गेम रखना है, ऐसे रखना है, वैसे रखना है, यहाँ रखना है, वहाँ रखना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे संभाले से रखूँ, टूट नहीं जाए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सिंपली अपने लाइब्रेरी में जाएंगे, डाउनलोड करेंगे, क्योंकि वो डिजिटली है, आपको उसमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये गेम रखना है, अरे मैं रख के भूल गया कहाँ रख दिया, तो वो दिक्कत नहीं होती है। फिजिकल में दिक्कत ये आ सकती है कि उसकी लाइब्रेरी रखना मुश्किल होगा और आप कोई गेम शायद रख के भी भूल सकते हैं, वैसे होता नहीं है अमूमन, लेकिन यहाँ पर फिजिकल गेम्स को रखना ज़्यादा, मतलब मुश्किल तो नहीं बोलूँगा, कोई गेम को रखना मुश्किल नहीं होता, लेकिन डिजिटल गेम्स को रखना बहुत ज़्यादा ही आसान है। तो यहाँ पर डिजिटल गेम का ये भी फ़ायदा है। इसके बाद आता है गेम का ख़राब होना। पहले बता दूं कि जो डिजिटल गेम्स हैं वो ख़राब हो ही नहीं सकते, वो आपकी लाइब्रेरी में वो कभी ख़राब नहीं हो सकते। जब आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं कर सकते हैं, जब डिलीट करना चाहते हैं कर सकते हैं अपने प्ले स्टेशन से, अपने एक्सबॉक्स से, अपने पीसी से, पर वो जो गेम्स हैं वो आपकी लाइब्रेरी में, आपके अकाउंट में हमेशा रहने वाले हैं, वो कभी भी ख़राब नहीं होंगे। लेकिन वहीं बात करूं फिजिकल गेम्स की, तो वो ख़राब होने के चांसेस काफ़ी होते हैं। तो फिजिकल डिस्क में परेशानी होती है कि डिस्क ख़राब हो सकती है, उसमें स्क्रैचेस ज़्यादा आ गए तो ख़राब हो सकते हैं, बाय चांस वो टूट गई या गुम गई, गुम भी सकती है, चोरी हो गई, बतेरी चीज़ होती है। लेकिन डिजिटल में ऐसा कुछ नहीं है, आपका अकाउंट ही हैक हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, बस और कुछ नहीं हो सकता, बस यही चीज़ हो सकती है, उसके अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं हो सकती। आपका अकाउंट हैक हो जाए तो बात अलग है, आपने पासवर्ड सही से नहीं लगाया होगा, कोई पासवर्ड आप चेंज नहीं करोगे रेगुलरली, लेकिन अगर आपने सब कुछ सही कर रखा है तो आपके डिजिटल गेम तो बिल्कुल ही सेफ है। तो यहाँ पर भी डिजिटल गेम का ये भी बेनिफिट है एक। अब इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि आती है ओनरशिप, कि आपका गेम कब होता है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि डिजिटल गेम आप कितने भी खरीद लें लेकिन कभी आपको उसकी ओनरशिप नहीं मिल सकती, वो आपका हो नहीं सकता गेम, मतलब प्रैक्टिकली तो है, मतलब आपका गेम वो आप कभी भी खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो वो आपका गेम नहीं है, वो आपको बस लाइसेंस दे रहा है खेलने का, सिर्फ लाइसेंस दे रहा है, वो गेम की ओनरशिप आपको नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप फिजिकल कॉपी ले रहे हैं तो वो गेम आपका है अब, तो उसकी ओनरशिप अब आपके पास, आपने कोई गेम की सीडी ली, वो आप अपने दोस्त को दीजिए, किसी को भी दीजिए, उस गेम की ओनरशिप अब आपके पास है,
वो कितने भी PS4 में या PS5 में आप चल सकती है, कितने भी एक्सबॉक्स में वो चल सकती है, क्योंकि उसकी ओनरशिप आपके पास है, उसमें कोई अकाउंट का झाड़ नहीं है। लेकिन वहीं अगर डिजिटल की बात करूँ तो वहाँ पर आपको अकाउंट ही चाहिए चलाने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ उस अकाउंट को लाइसेंस दे रहे हैं, तो ओनरशिप आपको नहीं मिल पाती, मतलब वो गेम आपका पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, लेकिन फिजिकल गेम आपका पूरा हो जाता है, उस पर आपका पूरा कब्जा रहता है। आप उसको खेलें, बेचें, उसको तोड़ दें, दोस्तों को दें, उसकी फ्रिज भी बना के खेलें, कुछ भी करें, वो गेम आपका है, फिर नफा नुकसान सारा आपका है उसके अंदर। फिजिकल गेम में एक तो फायदा होता है कि पूरी ओनरशिप आपकी होती है, आपको सिर्फ लाइसेंस नहीं मिलता है, डिजिटल में आपको कभी भी ओनरशिप नहीं मिल सकती, तो डिजिटल का ये एक नुकसान है। इसका एक और नुकसान है जो कि है रीसेल वैल्यू, जो ट्रेड होता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको पहले पॉइंट पर बताया कि आपको डिजिटल गेम में कभी भी ओनरशिप नहीं मिलती, तो वो गेम आप कभी बेच नहीं सकते, आपके अकाउंट में ज़िंदगी भर के लिए ऐड होगी। फॉर एग्जांपल आपने कोई गेम खरीदा नया नया, फॉर एग्जांपल एंथम आया था उस टाइम, उसका जो था क्रेज़ वो काफ़ी था, तो आपने नया नया एंथम लिया, भाई 4000 का हम गेम लेंगे, लेकिन निकला वो बकवास गेम, जो कि है भी वो असल में बकवास गेम, आपने ले लिया। अब आपने डिजिटली लिया, वो 4000 रुपये का लिया, अब आपने जब खेला आपने कहा कि मैंने क्या करा, मतलब आपने पूरी आग लगा दी 4000 रुपये के अंदर, तो अब आप उसको सेल नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी ओनरशिप ही आपके पास नहीं है ना, आपके पास सिर्फ लाइसेंस है उसको खेलने का। लेकिन वहीं अगर आपके पास फिजिकल कॉपी होती, आपने कहा मुझे पसंद नहीं आया, अरे मैं बेच दूंगा 3000 का, 3500 का, कोई बात नहीं, कम घाटा होगा लेकिन कम से कम पैसे तो मिलेंगे ना। तो यहाँ पर आप खरीद बेच सकते हैं अगर आप फिजिकल गेम लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई गेम मंगाया, जैसे आपने गॉड ऑफ वॉर मंगाया, ठीक है, उसके बाद आपने उसको सेल कर दिया, तो वहाँ पर आपकी पैसा भी बचा और आप कभी भी बेच सकते हैं, क्योंकि उसकी आपके पास ओनरशिप है। तो यहाँ पर आपको ट्रेड का भी एक अच्छा ऑप्शन मिलता है फिजिकल में, डिजिटल में ये बिल्कुल भी नहीं मिलता। आपने एक बार खरीद लिया तो खरीद लिया, वो आपका गेम है, वो भी पूरी तरीके से नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर डिजिटल गेम का ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, और फिजिकल गेम का सबसे बड़ा एडवांटेज ही यही है। इसके अलावा जो अगला पॉइंट है वो है एक्सचेंज, जो कि फिजिकल गेम में काफ़ी होता है, डिजिटल गेम में बहुत ही ना के बराबर होता है। वो कैसे, अभी बताता हूँ कि जैसे आपने, मैंने बताया आपने गॉड ऑफ वॉर लिया, आपने बेचा नहीं, आपने एक्सचेंज कर लिया, क्योंकि मेरे पास भी ऑफर आते हैं कि भाई एक्सचेंज कर लो गेम, आप गेम एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पर आपके पास एक्सचेंज करने का ऑप्शन होता है कि आप अपने दोस्त से कोई गेम ले लें और उसको अपना गेम दे दें, या किसी अनजान को भी अपना गेम दे दें, किसी दूसरा गेम ले लें। तो ये एक्सचेंज का ऑप्शन आप फिजिकल कॉपी में कर सकते हैं, मैंने बताया ना ओनरशिप आपके पास, आपके पास हुकूमत है, ठीक है, अब तो आपके पास सब कुछ है, लेकिन डिजिटल गेम में कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ लाइसेंस है, तो आप उसको किसी के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते, एक्सचेंज कभी नहीं कर सकते, बस सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं जिस पे आपको भरोसा है, जिस दोस्त पे उसको आप अपना प्लेस्टेशन अकाउंट दे सकते हैं, तो वो भी आपके साथ उस गेम को शेयर कर सकता है, बस वो भी सिर्फ दो लोग कर सकते हैं। अब आप अपना प्लेस्टेशन अकाउंट हर किसी को तो देंगे नहीं, उसके अंदर आपकी कार्ड डिटेल्स भी होती हैं, उसके बाद आपके जो सारे गेम्स होते हैं वो भी उसको मिल जाएंगे, उसने पासवर्ड चेंज कर दिया तो अनजान ने, तो वो चीज़ आप अनजान इंसान को नहीं दे सकते, अपने बहुत ही करीबी दोस्त को दे सकते हैं, तो आप हर किसी से एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ी दिक्कत है डिजिटल गेम्स में, मतलब फ़ायदे हैं तो नुकसान भी बहुत बड़े हैं डिजिटल गेम्स के, और फिजिकल जिसके नुकसान छोटे हैं लेकिन फ़ायदे बड़े हैं अगर फाइनेंशियली देखा जाए, लेकिन अगर आप गेम रखते हैं तो डिजिटली गेम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और आखिरी जो पॉइंट है वो है प्राइस, आपको अगर आप कलेक्शन में रखते हैं, बेचते नहीं हैं, हम उस पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, अगर आप बेचते हैं तो ऑफकोर्स अगर आप खरीदते बेचते गेम है तो फिजिकल गेम ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो फिजिकल गेम ही ज़्यादा आपका पैसा बचाएंगे, लेकिन अगर डिजिटल गेम्स देखा जाए तो सेल पे ज़्यादातर डिजिटल गेम्स सस्ते होते हैं, फिजिकल गेम उतने सस्ते नहीं हो पाते हैं, डिजिटल गेम ज़्यादा सस्ते हो जाते हैं सेल पे, लेकिन आप फिजिकल गेम को खरीद बेच सकते हैं तो वहाँ पर आपका पैसा बहुत बच जाता है। तो डिपेंड करता है, अगर आप कोई भी गेम नहीं बेचते तो आपके लिए डिजिटल लाइब्रेरी शायद बेस्ट लाइब्रेरी होगी, क्योंकि आपने एक बार गेम खरीद लिया तो खरीद लिया आपके अकाउंट में, तो अगर आप बिल्कुल भी खरीदते बेचते एक्सचेंज कुछ नहीं करते हैं, आप सारे गेम अपने पास रखते हैं खेलते हैं, तो भाई डिजिटल जो गेम्स हैं वो आप ही के लिए बने, और आप मेरी तरह है कि जो गेम खेलते हैं और ज़्यादातर CDs बेच देते हैं अपनी, कुछ ही रखते हैं अपने पास, ज़्यादातर बेचते हैं, एक्सचेंज करते हैं और ख़रीदते बेचते रहते हैं, अपने पैसे बचाते रहते हैं और एक गेम को बार बार नहीं खेलते हैं, तो आपके लिए फिजिकल गेम्स ही हैं। दोनों के अपने अपने फायदे नुकसान है, मैंने इस वीडियो में बता दिया, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी करो, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।